दोस्तों, भारत आज दुनिया में सबसे उभरते हुए देश में शुमार है। जहां कई दशकों पहले दूसरे देश भारत को एक गरीब देश मानते थे, वही आज भारत को सबसे तेज आर्थिक विकास करने वाले देशों में गिनते हैं। ऐसे मौके पर आज हमको भारत के सहयोगी देशों के बारे में जानना जरूरी है। पहला, रशिया। सब जानते हैं रशिया भारत का कितना बड़ा मित्र है। दोस्तों, 1971 के युद्ध में जब अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान किया, तो रशिया ही था जिसने भारत का साथ दिया और भारत ने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को कैद में कर पाकिस्तान को हराया था। चाहे मिसाइल टेक्नोलॉजी हो या अंतर्राष्ट्रीय मंच हो, हर जगह रशिया भारत का ही साथ देता आया है। लगभग हर क्षेत्र में भारत और रशिया साथ मिलकर काम करते हैं। रशिया और भारत ने साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है, जो कि देश की सबसे आधुनिक मिसाइलों में से एक है। दूसरा, इजराइल। दोस्तों, इजराइल एक ऐसा देश है जिसने भारत की आंख बंद करके मदद की है। दोस्तों, जब भारत पाकिस्तान के कारगिल युद्ध के दौरान भारत के पास जंग के साजो सामान खत्म हो रहे थे, तभी इजराइल ने ही भारत की मदद की थी। दोस्तों, इजराइल और भारत एग्रीकल्चर, स्पेस साइंस और वेपन्स के फील्ड में काफी आदान प्रदान करते हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद और भारत की रॉ एक दूसरे के मजबूत सहयोगी माने जाते हैं। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल में पहले किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा किया था, जिसमें इजराइल ने ऐसा स्वागत किया जैसा वो अमेरिका के राष्ट्रपति का स्वागत करता हो। तीसरा, जापान। दोस्तों, बात चाहे भारत के आजादी के पहले की हो या आजादी के बाद, जापान हमेशा भारत के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा है। जापान और भारत अपनी प्राचीन सभ्यताओं के चलते भी खास है। आजादी के पहले सुभाष चंद्र बोस की जापान ने ही सहायता की थी। दोस्तों, 2017 में भारत ने जापान के साथ नवल एक्सरसाइज करके ये साबित किया था कि भारत और जापान एक साथ है, जिसमें अमेरिका भी शामिल था। जापान और भारत को चीन से काफी विवाद है, जिसके चलते दोनों देश एक दूसरे के और करीब माने जाते हैं। चौथा, 1949 में हुए भूटान और भारत के बीच समझौते से दोनों के बीच अटूट दोस्ती कामयाब हुई। चाइना के द्वारा तिब्बत पर कब्जा करना भूटान और भारत को और करीब ले आया। 1958 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के भूटान के दौरे के दौरान यह कहा था कि भूटान पर किसी भी देश द्वारा हमला हुआ तो उसे भारत पर हुए हमले जैसा देखा जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पहला विदेशी दौरा भूटान में करके ये साबित कर दिया कि भूटान और भारत एक दूसरे के कितने खास है। पांचवा, नेपाल। दोस्तों, नेपाल को इस लिस्ट में शामिल करना बहुत ही विवादित होगा, लेकिन जिस तरह से भारत का सदियों पुराना दोस्त नेपाल अपने पड़ोसी देश चीन की कूटनीति बातों में आ रहा है, उससे तो यही जाहिर होता है कि नेपाल भारत से अब दूर हो रहा है। नेपाल और भारत के बीच व्यापारिक और सीमा पर काफी विवाद है, लेकिन इसको समय समय पर सुलझा भी दिया जाता है, लेकिन इसका फायदा सबसे ज्यादा चीन नेपाल को भारत के खिलाफ भड़का कर उठाता है। दोस्तों, एक वक्त पर कहे जाने वाली अपने नेपाली दोस्तों के दिल में भारत के लिए नफरत पनप रही है। आज हमको समझना होगा कि दोस्ती में दरार क्यों आई है। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और नीचे दिया गया लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें।